आईजी कार्यालय सहित जिले के दो थानों बिछिया व पनवार भवनों का उद्घाटन सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल से वर्चुअल तरीके से किया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल गृह मंत्री के साथ जुड़े रहे। वहीं रीवा में एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव, एसपी नवनीत भसीन आईजी कार्यालय में मौजूद रहे। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के साथ अन्य जनप्रतिनिधि और पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि लंबे समय से पनवार थाना बनकर तैयार था, वहीं हाल ही में आईजी कार्यालय भवन का निर्माण पुराने आईजी कार्यालय स्थल पर और बिछिया थाने के नवीन भवन का निर्माण कराया गया है। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां और सुनाते हैं सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक राजेंद्र शुक्ला, एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव ने क्या कहा है। पहले इसी जिले के आधे से ज्यादा भाग में रात में लोग अपनी कोठरियों में मिट्टी का बर्तन रखते थे और उसमें पेशाब करते थे। अपने घर का खिड़की का दरवाजा शाम को 6 बजे के बाद खुलता नहीं था किसी के घर का। इन चौराहों में छोटे छोटे चौराहे थे, यहां पर 7 बजे शाम के बाद महिलाएं निकलना बंद कर देती थी, लेकिन आज 12 बजे रात भी लड़कियां घूम रही हैं, स्कूटी से स्टंट कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो आज ये परिवर्तन हुआ है और इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति सही है, नेतृत्व सही है, तो पुलिस भी सही रहेगी, कर्मचारी भी सही रहेगा। अगर इच्छा शक्ति नेतृत्व सही नहीं है, दिशा निर्देशक सही नहीं है, तो नीचे के कांस्टेबल्स को आप एक बोतल दारू और मुर्गे की एक टांग के बिना आप उसको बिना मतलब बदनाम बस करते हैं, वो तो करेगा ही। इसलिए जो नेतृत्व है आज, उसकी वजह से हम सब यहां पर सुख शांति से जी रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो नक्सली जिलों का बहुत कम, अब 4-5 जिले 6 जिले बचे, कितने जिले बचे हैं, बाकी तो नक्सलियों को सफाया हुआ है, नहीं तो यहाँ सीधी में मड़वास तक नक्सलवाद था। तो बहुत भारी कमी आई है और राष्ट्रीय शांति, आंतरिक सुरक्षा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सुधरी है, अमित शाह जी के गृहमंत्रित्व काल में जिस तरह से आंतरिक देश में गड़बड़ी फैलाने वालों को कुचला जा रहा है, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनके खिलाफ नकेल कसी जा रही है, वो किसी भी देश के लिए गौरव की बात हो सकती है, गौरव की बात है। और मैं इस अवसर पर केवल इतना ही कहना चाहूंगा पुलिस के अधिकारियों से, कर्मचारियों से, कि आपकी छोटी सी गलती आपके सारे परिश्रम को बर्बाद कर देती है। इसलिए कहीं भी जानबूझकर कोई गलती ना होने पाए, ये इसके लिए आपको चौकन्ना रहेंगे आप, तो आपके विभाग का नाम हमेशा जनता की जुबान पर रहेगा। जो काम हो रहा है उससे वर्किंग कल्चर में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अब हमारे शासकीय कर्मचारी को यदि ऑफिस अच्छा मिल जाए, रहने के लिए अच्छा मकान मिल जाए, तो फिर उनको लगता है कि अब हम अपनी ओर से काम करने में कोई कसर ना छोड़े। पुलिसिंग का काम अभी बड़े विस्तार से बताया हमारे एडीजी साहब ने कि कितनी उपलब्धता है मैन पावर की और कितने मैन पावर की हमको जरूरत है। बस 12-11 हजार मैन पावर की जरूरत है, उपलब्धता कम है, तो मैन पावर भी चाहिए, पुलिस बल कार्यालय भी चाहिए। हमारा मुखबिरी का जो तंत्र है जिसमें पुलिस का पूरा कार्य जिस पर टिका होता है, अच्छा पुलिस ऑफिसर तो वही है जिसका मुखबिरी का तंत्र बहुत मजबूत होता है। और इस दिशा में भी जो भी आजकल सीसीटीवी कैमरे हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, उसकी उपलब्धता हो जाने से पुलिस की कार्यशैली में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मजबूरी में लोग चढ़ाई किए हुए हैं तो काम कर रहे हैं, और एक ऐसा होता है कि अंदर से उत्साह रहता है कि आज हमारा आईजी ऑफिस बन रहा है, बहुत अच्छा पुलिस डिपार्टमेंट का काम ऐसा हो कि हम लोग गर्व कर सकें कि रीवा में पुलिसिंग का काम मध्य प्रदेश में सबसे बेहतर है हमारे रीवा रेंज में। ऐसी मैं आपको बधाई के साथ शुभकामनाएं देता हूं। इससे काफ़ी हम चिंतित हैं। पिछले एक वर्ष में हम लोग करीब 14.5 करोड़ का ये जो इनका ड्रग माफिया का रैकेट हमने भंडाफोड़ किया है, और इसमें
1,20,000 के कोरेक्स वोटर्स भी हमने दस्त किया है। ये जो सप्लाई हो रहा है ये छत्तीसगढ़ बॉर्डर और उड़ीसा बॉर्डर के जंगलों से वहाँ उगाया जा रहा है, वहाँ जो वामपंथी नक्सल जो है उनके द्वारा किया जा रहा है, तो ताकि उनका बजट 40% बजट उनसे उसमें मिलता है। खैर, जोन में जो है पिछले एक वर्ष से सीएम हेल्पलाइन में हमारे जिले सतना और सिंगरौली टॉप कर रहा है, नंबर वन पोजीशन में आ रहा है। सीधी 6 नंबर पे, रीवा 7 नंबर पे। इस साल हमने करीब 27,000 सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट्स को निराकरण किया है। पिछले साल हमने 33,000 कंप्लेंट्स हमने निराकरण किया। इससे हमारी जो निराकरण की क्षमता बढ़ गई है। और दूसरी बात है कि सीएम साहब के उनके गवर्नेंस में उसमें भरोसा बढ़ गया है। पिछले एक साल में कई हमने लैंड ऑर्डर हम लोग सॉल्व करते रहते हैं। हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पुलिस फोर्स जो है लॉ एंड ऑर्डर फेस्टिवल्स में लगा रहता है।